गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। और आज की वर्चुअल क्लास भी टू हाफ में रहेगी। फर्स्ट हाफ में हम डिस्कस करेंगे दो न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मिरर फॉर्मूला। और उसके बाद आज हम शुरू करेंगे एक नया फिनोमिना, रिफ्रैक्शन। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, और आज ही हम क्या स्टार्ट करेंगे, अपना सेकेंड फिनोमिना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप चैप्टर में देख भी पा रहे हो, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट रिफ्रैक्शन। जस्ट उसका इंट्रोडक्शन ही हो पाएगा इन दो न्यूमेरिकल के बाद। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, जैसे कि आप उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे देख पा रहे हो, अ बॉय स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। अ बॉय स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 meter, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 meter फ्रॉम इट ही सीज हिज इरेक्ट इमेज। उसने अपनी जो इमेज देखी मिरर में, वो कैसे देखी है, इरेक्ट देखी है। अब इरेक्ट देखने का मतलब क्या होता है, ये आपको पता लग जाना चाहिए। अगर नहीं पता लग रहा है तो जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तब आपको पता लग जाएगा। हुज हाइट इज 1/5 ऑफ हिज रियल हाइट। और उसकी जो हाइट है वो क्या है, मतलब कि जो उसको नजर आ रही है इमेज में, वो क्या नजर आ रही है, 1/5 नजर आ रही है। अब इसका मतलब भी क्या है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, आपको बताना है कि नेचर क्या है मिरर का। और दूसरे नंबर पर आपको बताना है व्हाट इज द फोकल लेंथ, या कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सपोज करो ये आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये अब कैसे करना है, अब इसको आपने समझना है यहां पर इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन। अब क्योंकि आपको मिरर नहीं पता, आपको मिरर फाइंड आउट करना है कि मिरर किस कैटेगरी का है, कौन सा मिरर है, या तो कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा या फिर प्लेन भी हो सकता है, लेकिन प्लेन होने के चांसेस यहां पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो 1/5 बन रही है, और आपको पता है प्लेन मिरर में हमेशा इमेज आपकी सेम साइज की बनती है। तो क्या हो गया, अब आपको पता लग गया आउट ऑफ 3 एक तो निकल गया, सिर्फ 2 रह गए, कनकेव और कन्वेक्स। अब हमें पता लगाना है कनकेव है या कन्वेक्स है, और कुछ कैलकुलेशन भी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको उसमें जो गिवन पार्ट है वो आपको निकालना आना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो गिवन पार्ट है हम देख लेते हैं, दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ बॉय स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 meter फ्रॉम इट। इसका मतलब क्या है, जो आपको ये 1 meter दिया हुआ है, 1 meter ये क्या है आपका, ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। आपको ये बातें पता होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, वहां से आपको ये सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ही सीज हिज इरेक्ट इमेज, उसने अपनी इमेज को देखा, और जो इमेज है वो कैसी है, इरेक्ट है। इमेज कैसी है, इरेक्ट है, और उसमें जो हाइट नजर आ रही है वो 1/5 नजर आ रही है ऑफ हिज रियल हाइट। मीन्स सपोज करो हमने यहां पे मान लिया रियल हाइट इज इक्वल टू एच, तो जो इसकी साइज ऑफ इमेज होगा, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू एच आई, ये था हमारे पास रियल हाइट। रियल हाइट मीन्स एच ओ विच इज टेकन एच, तो एच आई आपके पास क्या हो जाएगा, 1/5 है, इसका मतलब एच बाय 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच बाय 5। अब आपको बताना है व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, एक आपको नेचर ऑफ द मिरर बताना है, और आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है सिर्फ यही पार्ट, और इसी पार्ट की हेल्प से हमें क्या करना है, फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है। फोकल लेंथ हमारे पास जो एक दे रखा है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ, यानी कि हमें एफ निकालना है, मींस एफ हमें फाइंड आउट करना है। और हमें क्या चाहिए फोकल लेंथ को निकालने के लिए, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u + 1/v। हमारे पास 1/u है, हमें क्या करना है, अगर हमें v की वैल्यू मिल जाए तो हमारा ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। अब v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, हम इन दोनों का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ माइनस वी बाई यू, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, इस तरीके से ऐसे यूज करेंगे। तो एच आई मेरे पास क्या है, एच बाई 5 है,
एच ओ मेरे पास एच है, वी की वैल्यू मेरे पास नहीं है और यू की वैल्यू मेरे पास क्या है, वन है। यहां पर ये रहा वन। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस वन को डायरेक्ट पुट कर देंगे, इस वन को डायरेक्ट पुट नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको पता है मिरर फॉर्मूले के अंदर, ये बात अभी भी आप यहाँ पे नोट कर लो, या इस चैप्टर के लिए बात कर लें या मिरर या लेंसेज के लिए अगर हम बात करें, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इस पॉइंट को आपने हमेशा हमेशा याद रखना है। ओके, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, आप जिस भी वैल्यू को पुट कर रहे हो उससे पहले पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जरूर आएगा। पॉजिटिव आता है तो हम उसको जनरली शो नहीं करते, लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो उसको बताना बहुत जरूरी है। आपको समझ में आती है बात ये? तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज दी हुई होंगी, जितनी भी वैल्यूज हमें यहाँ पर दी हुई है, हमें उनके साथ साइन लगाना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे लगाना जरूरी था, लेकिन क्या है कि मुझे पता है, मुझे मेरी प्रैक्टिस से पता है या मैंने इसका सोल्यूशन पहले ही देख रखा है कि ये दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो मुझे लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर मैं लगाता हूँ तो अच्छी बात है, आप लोग लगाते हो अच्छी बात है, नहीं भी लगाते तो भी इससे सोल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब आप यहाँ पर यू की वैल्यू पुट करोगे तो क्योंकि आपको पता है यू की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा जाता है तो बाय कन्वेंशन वो लेफ्ट साइड होता है, और लेफ्ट साइड होने की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हम यू की वैल्यू पुट करेंगे वो माइनस वन पुट करेंगे, बस इस बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना। क्लियर है? तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, v by 1 लिखना है लिखो, नहीं लिखना है ना लिखो, 1 को h by 5, h by 5 बन जाएगा आपका इस तरह से, और ये वाला h ये रहा, h से h कैंसिल हो जाएगा और v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 by 5। v की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 by 5 आपके पास आ जाएगी v की वैल्यू। ओके, अब v की वैल्यू आपके पास आ गई है, v की वैल्यू को आपने यूज करना है इस फॉर्मूले में, और इस फॉर्मूले में जैसे ही आप पुट करोगे आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी। तो अब एक बात और नोट करो, यहाँ पर जो v की वैल्यू आपके पास आई है ना पॉजिटिव में आई है। अब v की वैल्यू पॉजिटिव में आने का मतलब क्या है, v की वैल्यू पॉजिटिव में आने का मतलब क्या है, v किसे रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करता है। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इमेज इज फॉर्म राइट साइड, इमेज इज फॉर्म राइट साइड टू द मिरर। और जब राइट साइड में इमेज आपकी बनती है तो कैसे होता है, आपको कुछ बातें याद आनी स्टार्ट हो गई होंगी, और अगर अभी भी नहीं आई है तो एट द एंड आपको जरूर आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर v की वैल्यू हमने निकाल ली है 1 by 5। अब इस 1 हमें जो वैल्यू पुट करनी होती है वो 1 by v की वैल्यू पुट करनी होती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, v की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 by v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 by v की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे और अपना आंसर यानी 1 by f यानी कि फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मुझे ये पार्ट रब करना है तो मैं इस पार्ट को रब कर देता हूं। तो 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय यू, वही वैल्यू माइनस वन, प्लस 1 बाय वी की वैल्यू आपके पास क्या है, इस तरह। तो आपने इसे सोल्व करना है, 1 वैसे भी आप कर लेते तो ठीक रहता आपके लिए, चलो कोई बात नहीं। आपके पास जो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 1 बाय f की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 बाय 1, f की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 बाय 4। f की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, पॉजिटिव 1 बाय 4 आ गई है, f की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, पॉजिटिव 1 बाय 4। यहाँ पर ये मैंने थोड़ा लेंथी वे में कर दिया, आप सिंपल कर सकते थे, 1 बाय माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, पॉजिटिव 5, पॉजिटिव 4। तो 1 बाई एफ की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 4। और बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, फोकल लेंथ को 4 लिखाएंगे, ऐसा नहीं करना। ये जो 4 हमारे पास आया है, पॉजिटिव 4 हमारे पास आया है, वो 1 बाई एफ है, तो f की वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1 बाई 4। तो फोकल लेंथ हमारे पास आ गई है पॉजिटिव 0.25 मीटर, फोकल लेंथ हमारे पास क्या आ गई है, पॉजिटिव 2.5 मीटर, और यू कैन से 1 बाई 4 मीटर। अब यहां पर फोकल लेंथ वाला हमारा जो आंसर निकालना है वैल्यू वाइज वो हो चुका है। अब बारी आती है नेचर ऑफ द मिरर। तो नेचर ऑफ द मिरर आपको कैसे पता लगता है, नेचर ऑफ द मिरर आपको पता लगता है फोकल लेंथ से, फोकल लेंथ से। अगर आपके पास फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो वो बन जाता है आपका कनकेव मिरर, वो आपका क्या बन जाता है, कनकेव मिरर। और अगर आपके पास फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब क्या है, वो बन गया आपके पास कन्वेक्स
मिरर। तो यानी कि हमारे पास फोकल लेंथ आई है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, जो नेचर ऑफ द मिरर ये हमसे जानना चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। या फिर अगर हम बात करें कि जो मिरर किस टाइप का मिरर है, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया हुआ नहीं है ना कि मिरर किस टाइप का है, तो मिरर किस टाइप का है हमारे पास, मिरर जो हमारे पास है वो कन्वेक्स टाइप का है। किस टाइप का है, कन्वेक्स टाइप का। हमें पता लग गया हमारे पास जो क्वेश्चन में मिरर दिया हुआ है वो कन्वेक्स है, और फोकल लेंथ उसकी कितनी है 0.25 है, और इमेज कहाँ बन रही है, पॉजिटिव साइड में बन रही है, ये बात आपको पता लग गई है। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है, तो हमारा आंसर सही आया है कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो। हमें पता, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में अगर आप इसको पहले देख लेते ना, देखते ही पता लग जाता है कि इसमें कौन सा मिरर है, ठीक है, और उसकी फोकल लेंथ क्या आने वाली है। कैसे, यहाँ पर देखो इसने कहा है कि हमें इरेक्ट इमेज बनती है जब एक आदमी या कोई पर्सन मिरर के सामने खड़ा है, उसकी इरेक्ट इमेज बन रही है, और जब इरेक्ट इमेज के साथ कौन सा वर्ड जुड़ जाता है, वर्चुअल वर्ड जुड़ जाता है। कैसा वर्ड जुड़ जाता है, वर्चुअल। अब जो मिरर, जो इमेज बनती है वो मिरर के केस में, कन्वेक्स और कनकेव में आपको ये बात ध्यान रखनी है, कन्वेक्स मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, लेकिन स्मॉल साइज की बनती है, और उसका रिवर्स कनकेव मिरर में, जब भी आपके पास इरेक्ट इमेज बनेगी, जब भी आपके पास इरेक्ट इमेज बनेगी तो वो लार्ज साइज की बनती है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ था, इरेक्ट इमेज दी हुई थी और स्मॉल साइज की दी हुई थी, तो ये क्वेश्चन तो वैसे पहले देखते ही पता लग जाता कि हमारे पास कौन सा मिरर आता, कन्वेक्स मिरर आता, और फोकल लेंथ भी क्या आती, पॉजिटिव में आती, ये भी हमें पता लग गया था, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो, क्लियर है। चलिए जल्दी से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। जब भी आप क्वेश्चन करते हो तब आपको ध्यान रखना है, मतलब जब भी आप क्वेश्चन करते हो तब आपको अपने खुले हुए माइंड के साथ, यानी कि कॉन्शियस माइंड के साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आप अपने क्वेश्चन कॉन्शियस माइंड को यूज करते हो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो आपका क्वेश्चन हमेशा 100% सही होगा, यहाँ पर गलती होने का चांस नहीं है। लेकिन आप अगर रट्टा मारोगे और ध्यान से नहीं करोगे, ठीक है मैंने करवा दिया आपने नोट कर लिया, तब आपका क्वेश्चन के 90% से भी ज्यादा चांस है कि वो गलत होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमें पता लग गया यहां पर सॉल्यूशन नंबर टू, हमारे पास दिया हुआ है कनकेव मिरर, ये मेरे पास कनकेव मिरर दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज 30 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, सेंटर नहीं है ये, 30 सेंटीमीटर u, और साइन कन्वेंशनली u की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 30 सेंटीमीटर u होगी। साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि h o मुझे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर, जो फोकल लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपको क्या दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव यूज होगा, क्या यूज होगा, नेगेटिव में, क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रहा है, जितनी भी वैल्यू होंगी लेफ्ट साइड में, पी से लेफ्ट साइड जितनी भी वैल्यू होंगी वो नेगेटिव होंगी ऑन एक्स एक्सिस, ये ध्यान रखना है, ऑन एक्स एक्सिस, और यू कैन से ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर अबव है और डाउन है वो डिपेंड करता है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो वहां पर हम देखेंगे, क्योंकि जिसको यहाँ पर जो एच ओ की वैल्यू पॉजिटिव 5 लिए, क्यों लिए, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड है, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउन होता है नेगेटिव ले लेते, तो यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव लिखने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, हमें के तीन पॉइंटों के आंसर देने हैं कि इमेज कहाँ बनेगी, किस साइज यानी कि इसका साइज क्या होगा, और नेचर ऑफ द इमेज, हमें नेचर भी बताना पड़ेगा इमेज का कैसा होगा। तो जल्दी से पहले हम निकाल लेते हैं पोजिशन ऑफ द इमेज कैसे निकलेगी, पोजिशन ऑफ द इमेज का मतलब क्या होता है, हमें निकालनी है डिस्टेंस ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज का मतलब क्या होता है, हमें निकालना है पोजिशन का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना, डिस्टेंस ऑफ इमेज का मतलब क्या होता है, वी, हमें वी की वैल्यू निकालनी है, तो जल्दी से निकाल लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/v की वैल्यू निकालनी है मींस 1/f माइनस 1/u, f की वैल्यू है माइनस 15, u की वैल्यू है माइनस 30, जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं, माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 30, ये प्लस क्यों हुआ, माइनस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाता है, तो 30 यहाँ पर आएगा माइनस 2 यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1/30, ये है हमारे पास
वन बाई वी की वैल्यू, तो वी की वैल्यू आपके पास क्या बन गई, वी की वैल्यू आपके पास बन गई है 30 सेंटीमीटर, और वो भी माइनस के साइन के साथ। वी की वैल्यू क्या आई आपके पास, -30 सेंटीमीटर आई है। अब -30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, -30 सेंटीमीटर का मतलब यह है कि कनकेव मिरर में जो इमेज बनेगी, इस माइनस साइन का मतलब क्या है, कनकेव मिरर में जो इमेज आपके पास बन रही है, या मिरर के अंदर जब आपके पास इमेज बन रही है, वो कहां बनेगी, लेफ्ट साइड में बनेगी। कहां बनेगी आपकी, लेफ्ट साइड में बनेगी। और कनकेव मिरर में, क्योंकि हमें पता है कनकेव मिरर हमारा कैसा है, इमेज बन रही है लेफ्ट साइड में, जब भी इमेज लेफ्ट साइड में बनती है तो कैसी बनती है, रियल एंड इनवर्टेड। तो आप यहां पर नेचर ऑफ द इमेज में रियल एंड इन्वर्टेड यहां से भी लिख सकते हो। अगर आप यहां से नहीं लिखना चाहते हो तो अभी हमारे पास जब हम एच आई की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि साइज का मतलब क्या होता है, एच आई निकालना, हाइट ऑफ इमेज निकालना, वहां से भी हमें आइडिया हो जाएगा। अब आपको पता है कि हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है, और हमने यहां पर पहले ही बोल दिया इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या है, माइनस में आंसर आएगा। एच आई का आंसर आपके पास किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर माइनस में आता है तो ठीक है, अगर प्लस में आता है तो गलत है। अब हमें पता है क्योंकि माइनस में आना चाहिए, तो वो देखेंगे, चेक करेंगे। इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने नोट कर लिया होगा, v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं लिख लेता हूं मैं, क्योंकि हमें निकालना था। इसके अलावा बाकी पार्ट को रब कर देता हूं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तब अच्छा लगेगा आपको, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको सारी की सारी बातें यहाँ पर अजीबो गरीब लग सकती है, ठीक है। आप कहोगे कि कैसे हो रहा है, जो समझ ही करेगा उसको समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं बोलता हूं ना, वैसे वैसे अपने मन में रिमाइंड करा करो। एच आई की वैल्यू निकालनी है, एच ओ की वैल्यू मेरे पास थी +5 सेंटीमीटर, तो पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं है, अभी सेंटीमीटर को भी लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस वी की वैल्यू कितनी है, -30, यू की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -30, यू की वैल्यू तो -30 है ना, वो तो एफ की वैल्यू थी। ओके, अब इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा, ये वाला माइनस अभी बचा हुआ है, ध्यान देना इस बात का, ये वाला माइनस का साइन अभी बचा हुआ है। तो एच आई की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, -5 = -1, तो एच आई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, -5 आ गई है। एच आई -1 × 5 कितना हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर। तो एच आई की वैल्यू मैंने आपको कहा था नेगेटिव आनी चाहिए, नेगेटिव में आ चुकी है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब हम इसको दोबारा चेक कर सकते हैं कि यह वाकई में हमारा आंसर सही है। तो कैसे चेक कर सकते हैं, ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर कि फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ फॉर कनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर, तो जो सेंटर होगा यानी कि रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, पी से लेके सी का डिस्टेंस, पी से सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो रही बात यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट सी। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, एट सी, सेंटर पॉइंट पे रखा हुआ है। जो ऑब्जेक्ट आपका सेंटर पॉइंट पे रखा होता है, तो ये बताओ इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। किस साइज की बनती है, सेम साइज की बनती है। अब हमें यहां पे देखना है कि हमारा सेम साइज है या नहीं है। ये देखो डिस्टेंस, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, और यहां पर आपके पास हाइट ऑफ जो इमेज आई है वो भी क्या है आपके पास, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, इसका मतलब क्या है, सेम साइज इमेज इज फॉर्म। और ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको इन दोनों क्वेश्चन को क्लियर हो गए होंगे सॉल्यूशन वाइज। एक पार्ट इसका रह गया, लास्ट में लिख लेते हैं, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज ऑफ फॉर्मेशन। तो आपको क्या करना है, किसी क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हो सकता है कि आपको उसका डायग्राम भी बनाना है, तो डायग्राम भी आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि आपको पता लग गया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर एट सी, तो आपने सी के कोरस्पोंडिंग आपने डायग्राम को कंप्लीट बना के शो कर देना है। क्लियर है आपको ये, तो आई होप कि ये वाला पार्ट जो डायग्राम बनाना है वो तो आप कर ही पाओगे, ठीक है ना, कर लोगे ना। नहीं हो पाएगा तो कैसे नहीं होगा, जब आप पढ़ोगे तो होगा। चलो फिर भी आपको हिंट दे देता हूँ। हिंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर डायग्राम नहीं बन पाएगा मेरे से, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि आपके पास क्या होना जरूरी है, आपके पास ये मेजरमेंट होने, इक्वल होने बहुत जरूरी है। ये जो मेजरमेंट होते हैं ये आपके पास इक्वल होने जरूरी है, अगर इक्वल नहीं होंगे तो डायग्राम आपका गलत बनेगा। तो आप क्या करोगे, इस तरह से डायग्राम आप बना दोगे। थोड़ा
तो इस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, डायग्राम बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था यहाँ पर, कि अभी जैसे क्वेश्चन कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एकदम से आया, जो मिरर होता है कनकेव और कन्वेक्स, इनसे एक जुड़ी हुई टर्म है, उस जुड़ी हुई टर्म को हम जरूर समझ लेते हैं। जो कनकेव मिरर होता है इसे हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और जो कन्वेक्स होता है उसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। उसे कौन सा मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो कनकेव मिरर होता है ये क्या करता है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट नोन एज फोकस पॉइंट, नोन एज फोकस पॉइंट। तो आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाना पड़ सकता है वहां पे। तो आप क्या करोगे, इस तरह से डायग्राम बनाओगे जो मैंने आपको सिखाया था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे होता है तो ये वाला डायग्राम बनता है ना फोकस पॉइंट पर। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, इस तरह से जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपके पास आती है उसे क्या करता है, डाइवर्ज करता है। यहां पर जाएंगे डॉटेड लाइन है और इस तरह से क्या करता है, उसे डाइवर्ज करता है। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है अपने डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन दिस एंड दिस। ठीक है, कोई भी जो यूज वाला पॉइंट है वहां पर आप देख सकते हो, और इनके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे कनकेव का नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर, क्यों कन्वर्ज करता है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, और कन्वेक्स का क्या है, कनकेव का कन्वर्जिंग, कन्वेक्स का डाइवर्जिंग। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है, ये पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया था। तो अब शुरू करते हैं बहुत जल्दी अपना आज का सेकेंड हाफ पार्ट, दैट इज रिफ्रैक्शन, दैट इज रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहां तक हमने रिफ्लेक्शन पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको रिलेट करते हुए चलेंगे रिफ्लेक्शन के साथ, कहीं उसमें गड़बड़ ना हो जाए। इसीलिए आप जब भी रिफ्लेक्शन को पढ़ोगे, रिफ्रैक्शन पार्ट को पढ़ोगे, उसके साथ साथ आप रिफ्लेक्शन पार्ट को भी पढ़ोगे, ताकि आप में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए कि कब आपने रिफ्लेक्शन वर्ड यूज करना है, कब आपने रिफ्रैक्शन वर्ड यूज करना है। ठीक है ना, तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो उससे पहले आपको ये समझा बता देता हूँ, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी रिजेम्बलेंस लेते हुए या फिर रेफरेंस लेते हुए हम पढ़ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो रिफ्लेक्शन में क्या था हमारे पास, रिफ्लेक्शन में हमारे पास था मिरर, क्या था हमारे पास, मिरर था, और अगर कोई लाइन ऑब्लिकली फॉल करती है तो ये बन जाता था उसका नॉर्मल, ये बन जाती थी इंसिडेंट रे, ये बन जाता था एंगल आई, और इसी एंगल आई को फॉलो करते हुए एंगल आर, और ये बन जाती थी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर हम क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके पास क्या होगा, यहां पर आपके पास मिरर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मिरर है ना, तो यहां पर मिरर नहीं होगा। तो मिरर नहीं होगा तो क्या होगा, यहां पर आपके पास अवेलेबल होगा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, या तो वो ग्लास हो सकता है या फिर वो कोई भी किसी भी तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। सपोज करो वाटर से भरी हुई एक स्लैब है, वाटर की बोतल है सपोज करो, इस तरह से यहां पर क्या होगा आपके पास, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। क्लियर है, अब इस केस में क्या होगा, यहां पर क्या होगा, अगर कोई लाइन ऑब्लिकली फॉल करती है तो ये बन जाएगी आपके पास इंसिडेंट लाइन, ऑब्लिकली फॉल कर रही है, ऑब्लिकली फॉल करने पर क्या होगा, ये बन जाएगा इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, ये क्या बनेगा इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम और से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बन जाएगा इसका नॉर्मल। अब ध्यान से सुनो, मिरर के केस में क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है, ये बात हमें पता है, लेकिन जब ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है तब क्या होता है, तब आपको पता है जो लाइट होती है वो पास हो जाती है, तो लाइट क्या होती है, पास हो जाती है, यानी कि लाइट इस मीडियम से पास हो जाएगी, लेकिन जब पास होगी तो किस तरह से होगी वो हमें समझना है, वो हमारा पार्ट क्या है, वही पार्ट हमारे पास बनेगा हमारा
रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, वो क्या पार्ट हमारे पास क्या बनेगा, रिफ्रैक्शन वाला पार्ट बनेगा। और मेन बात अब यहां पर क्या है, जब लाइट एक मीडियम से, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर है एयर, इसको बोल देंगे मीडियम वन, इसे हम क्या बोल देंगे, सपोज करो मीडियम वन। अब ये एंटर कर रही है, एंटर किस में कर रही है, ग्लास में कर रही है, इसको बोल देंगे मीडियम टू। तो पॉइंट ये आ गया कि व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम, देन व्हाट विल हैपन, देन व्हाट विल हैपन, तो उसमें क्या होगा, जो लाइट होगी वो पास होगी, ये तो 100% श्योर है, ये तो 100% श्योर है कि लाइट पास होगी। लेकिन पास कैसे होगी, पास होते हुए भी हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन है, पास होते हुए भी हमारे पास यहाँ पर क्या है, दो कंडीशन है। आप जितना भी मैं लिखता हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, अपने आप नोट कर लीजिए करें, किसी बात का वेट ना करा करें कि सर बोलेंगे कि इसको नोट करना है, आप उसे सुनते भी रहिए और नोट भी करते रहिए। तो जब पास होगी, तो पास होने के बाद उसकी दो कंडीशन बनेंगी, वो दो कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन में हो सकता है कि दिस, क्योंकि यहां पर फिनोमिना क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो जो लाइन अब एंटर करेगी इसके अंदर उसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। तो रिफ्रैक्टेड रे क्या हो सकती है, ईदर ईदर मूव टूवर्ड्स नॉर्मल, या तो वो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है, या फिर क्या होगा, अगर इसी के अंदर मैं डायग्राम के अंदर शो करूं, ये केस बन जाएगा वन, सपोज करो, और क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है वो मूव कर जाएगी और इधर, और मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या हो जाएगा, वो हो सकता है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाए, ठीक है। जब भी एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी तो क्या पॉसिबल है, या तो पॉसिबल है कि वो नॉर्मल लाइन के पास आ जाएगी। देखो इस तरह से, देखो इसको होना क्या चाहिए था, देखो यहां पर मेन बात क्या है, ये है इंसिडेंट रे, इसे इस तरह से चले जाना चाहिए, इस डॉटेड लाइन की तरह इसे चले जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, ये या तो जो रिफ्रैक्टेड रे था, या रिफ्रैक्टेड रे है, या तो वो नॉर्मल के पास आ रही है नॉर्मल इमरजेंट रे से, नॉर्मल इमरजेंट रे जो होनी चाहिए थी उससे या तो ये पास जा रही है या फिर दूर जा रही है। क्लियर हो बात आपको, यहाँ पर जब भी रिफ्रैक्शन होगा या तो रिफ्रैक्टेड रे मूव टूवर्ड्स नॉर्मल होगा या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है कि लाइट किस मीडियम से आ रही है, फ्रॉम वेयर लाइट कमिंग एंड वो जा कहां रही है, where it is going, इन बात पे डिपेंड करता है। अब यहां पर आपको एक साइंटिफिक टर्म याद रखनी है, वो क्या है, अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर, अभी तो हम यहाँ पे मीडियम मीडियम बोल रहे हैं, तो मैंने इसका नाम दे दिया। जब भी आपके पास दो मीडियम होंगे तो उनमें से एक होगा रेयर मीडियम, एक होगा डेंसर मीडियम। तो अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो कंडीशन होगी फर्स्ट वाली। तो फॉलो कौन सी कंडीशन होगी, फर्स्ट वाली कंडीशन आपकी फॉलो होगी, मीन्स लाइट मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन एवर ए रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट विल मूव टूवर्ड्स नॉर्मल, फर्स्ट वाली कंडीशन फॉलो की जाएगी अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। अगर इसका अपोजिट है, सपोज करो लाइट एंटर कर रही आ रही है डेंसर मीडियम से और मूव कर रही है रेयर मीडियम में, तो क्या होगा, उस केस में इसका अपोजिट होगा। अपोजिट क्या है इसका, केस टू, यानी कि इन दैट सिचुएशन रिफ्रैक्टेड रे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उस केस में क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाएगी। तो यह सारा जो कंप्लीट जो पार्ट आपके पास है, ये सारा रिलेट करता है आपके पास रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, किससे रिलेट करता है आपका, रिफ्रैक्शन से रिलेट करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए जल्दी से जल्दी। क्लियर होगी आपको बातें, ये सारा पार्ट जो मैंने आपको बताया है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको नोट करिए। और जो ये लास्ट के 10 मिनट का पार्ट है, इस वीडियो को आप दो बार देखना, जैसे कंप्लीट वीडियो आपके पास 32-35 मिनट्स की बनेगी, तो जो ये लास्ट के 10-15 मिनट है ना, इस बार क्या करना, वीडियो को दो बार देखना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये मैं सारा कंप्लीट पार्ट आपको समझा रहा हूं। आप इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हो बुक में से, यहां पर भी मैं डेफिनेशन जस्ट आपको बोल दूंगा, लेकिन लिखवाने का टाइम शायद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपने इस पार्ट को समझ लिया तो आपके लिए काफी आसान रहेगा। क्लियर, ठीक है, समझ रहे हो बातें। तो जैसे कि यहाँ पे देखो आपके पास क्या है,
ये है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट का एंगल, तो ये बन जाएगा एंगल आई, और ये बन जाएगा आपके पास एंगल आर वन, यानी कि फर्स्ट केस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये बन जाएगा आपके पास आर टू, यानी कि सेकेंड केस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड सिचुएशन के लिए आपके पास क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है आपको बात ये? तो यहां पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, क्योंकि अभी हमने समझ लिया है व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब भी लाइट आपके पास डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तब क्या होता है, लाइट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होते हैं, आपको लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना। तो यहां पर हम समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है। ध्यान से देखो, अगर आपके पास दो मीडियम दिए हुए हैं, उनमें एक है रेयर मीडियम और एक आपके पास है डेंसर मीडियम, तो आपको कैसे पता लगेगा कौन सा रेयर मीडियम है कौन सा डेंसर मीडियम है। जैसे सपोज करो ये आपके पास है मीडियम वन, ठीक है, और ये मीडियम है आपके पास टू, या फिर अगर इस डायग्राम के कोरस्पोंडिंग हम देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास मीडियम वन और ये बन जाएगा मीडियम टू। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें से रे ऑफ लाइट को पास कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रे ऑफ लाइट को पास कर रहे हैं। अगर हम रे ऑफ लाइट को पास कर रहे हैं फ्रॉम टू मीडियम, दो मीडियम से, तो क्या होगा, जैसे ही मीडियम के अंदर लाइट एंटर करेगी, या तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज, और यू कैन से अगर हाई है तो वो बन जाएगा आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अगर आपकी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रही है, या फिर अगर आपके पास एक मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट आपकी कम है, लेस है, तो वो बन जाता है आपका डेंसर मीडियम। मींस अगर आप रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को चेक करना चाहते हो कौन सा रेयर मीडियम है कौन सा डेंसर मीडियम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रे ऑफ लाइट को पास करना होगा। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी वो रेयर मीडियम होगा, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो आपका क्या बन जाएगा, डेंसर मीडियम बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपके पास डेफिनेशन ऑफ रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और कंसेप्ट समझ में आने के बाद आप बुक में से डेफिनेशन देख सकते हो। चलो मैं आपको सारी डेफिनेशन बोल देता हूँ अभी तक, जो भी डेफिनेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्शन की। किसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हमारे पास ये है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया। मीन्स जहां पर भी आपके पास चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रिफ्रेक्टेड रे आ जाए, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि जैसे ये इंसिडेंट रे है ना, इसमें आपकी जो लाइट है वो उसे इस तरह से चले जाना चाहिए था, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो जैसे ही चेंज इन डायरेक्शन आप ऑब्जर्व करते हो वहां पर आपके पास कौन सा फिनोमिना होगा, रिफ्रैक्शन फिनोमिना होगा। उसके बाद बारी आती है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की डेफिनेशन। अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज कंपैरेटिवली मोर, अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज कंपैरेटिवली मोर, दैट मीडियम इज सेड टू बी ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और जिसके अंदर आपके पास स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी कम होगी, ज्यादा वाली तो बन गई रेयर मीडियम, और जिसमें आपकी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो बन जाएगा आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। फिर बारी आती है आपके पास चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन मैंने आपको समझा दिया, अगर टुवर्ड्स मिरर है, अगर टुवर्ड्स नॉर्मल है, तो उस केस में क्या होगा, लाइट मस्ट बी गोइंग फ्रॉम रे टू डेंसर मीडियम, और यू कैन से रे टू डेंसर मीडियम में क्या होता है, लाइट रे या रिफ्लेक्टेड रे मूव टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर टू मीडियम में मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरह से आपके पास सारी डेफिनेशन है, इन डेफिनेशन को आपने जरूर पढ़ना है। इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन हमेशा क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, जैसे आपने रिफ्लेक्शन के अंदर ये पार्ट कंप्लीट किया था। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो फर्स्ट लॉ आपके पास आता है वो बिल्कुल सेम है जैसे हमारे पास फर्स्ट में था। वहां पर हमारे पास क्या था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो वैसे ही बिल्कुल यहां पर हमारे पास है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड यहां पर आ जाएगा रिफ्रेक्टेड रे, रिफ्रेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन।
ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड हमारे पास क्या है, जो लो है वो यहाँ पे डिफरेंट है। लो ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर था। रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारे पास जो सेकेंड लॉ है वो चेंज है। उसमें क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट वैल्यू दैट इज एन वेयर एन इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो इस तरह से आपके पास ये है हमारे पास टू लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने फर्स्ट हाफ में दो न्यूमेरिकल पढ़े। न्यूमेरिकल में हमारा टाइम ज्यादा लग गया क्योंकि वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, उनको समझना टिपिकल होता है। और सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ा है अबाउट रिफ्रेक्शन, फिनोमिना ऑफ रिफ्रेक्शन आज हमने सारा पढ़ लिया है। ठीक है, समझ भी लिया, पढ़ भी लिया, छोटी छोटी डेफिनेशन आप इनकी नोट कर सकते हो। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।